ना गोश्त के खाने गए, वो अंकल को पता ही नहीं है कौन सा गोश्त है, उसने जैसे ही हिरन का नाम सुना वही रह गया। हरकतें फजूल बातें इसके लिए ली है, नहीं है हमने। चलो सही है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए। तो भाई आज जो है वो बहुत ही ख़ास रेसिपी बनने वाली है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं हिरन का गोश्त। फर्स्ट टाइम जो है मैं इस तरह घर पे बना रही हूँ, तो मतलब इतना कोई वो नहीं है कि जैसे हम सोचते हैं ना कि कोई बहुत ही कोई अलग सी चीज़ होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइक गोश्त की तरह ही था। मैंने अच्छे से गोश्त जो है वो धो दिया है, कटवाया हमने बाहर से था, क्योंकि वो बहुत बड़ा पीस था, तो फिर जो है वो घर पे नहीं था कट पा रहा, तो वो हमने बाहर से कटवा लिया था। अब मुश्किल क्या हो गई थी कि गोश्त, जब भी गोश्त मुर्गी ये सब चीज़ें मैं धोती हूँ ना, उसके बाद फिर मेरा जो है ना वो कोई आधा पौना घंटा जो है ना बर्तन धोने में लग जाता है। जो भी आसपास बर्तन होते हैं ना मैं धुलों को भी धो देती हूँ, और क्योंकि मुझे जो है ना वो थोड़ी सी ये फीलिंग आती रहती है कि नहीं यार कहीं इस पर ना गोश्त के छींट पिट गई हो या कभी इस पर ना पड़ गई हो, तो फिर इसी चक्कर में मैं ना बर्तन आसपास के भी दो दो बार जो है ना वो धो देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो है ना वो खाना बनाना स्टार्ट कर लिया है। गोश्त अच्छे से धो के मैंने जो है साइड पर रख लिया था। अब जो है ना वो थोड़ी सी अलग रेसिपी हम बनाएंगे, मतलब ये कि एज सच कोई इसकी स्मेल वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर भी हम अपना जो है ना वो बेस्ट करेंगे कि बच्चों को ऐसा फील ना हो, या खाने वालों को जिसको भी जो भी खाए वो ऐसा फील ना हो कि कुछ हम अलग खा रहे हैं। तो इसके लिए जो है ना मैंने ऑयल डाल दिया है देचके में, और जस्ट ऑयल डाला, और जितना मुझे खाने में चाहिए ना उससे आधा डाला है, मतलब पूरा जितना मुझे खाने में ऑयल चाहिए था ना वो नहीं डाला है, थोड़ा आधा डाला है मतलब उससे क्वांटिटी में। तो उसमें हम इस गोश्त को ना जस्ट लाल करेंगे, और आप देखिएगा कि इस गोश्त में से खुद बहुत सारा पानी निकलेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसी ऑयल में इसको थोड़ा पकाना है, और जितना पानी जो है ना इस गोश्त का निकलना है वो हम उसको निकलने देंगे। अच्छा जी, साथ साथ जो है ना हम बाकी चीज़ें भी अपनी करती रहेंगे। तो यहाँ पे वाटरमेलन आया था, जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना उसका घर में बड़ा फ़ायदा होता है, यानी कि वो तो बस समझे कि घर के लिए जो ना एक अलग ही चीज़ होता है। तो हमारे घर में जो है ना वो तानू हैं, तो बस इनके पापा जहाँ भी वाटरमेलन देखते हैं ना बस उठा लाते हैं, क्योंकि तानू को पसंद है। अच्छा जी, अभी आपने नोटिस किया होगा कि गोश्त ने जो है काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया हुआ है, तो हम इसको जो है ना थोड़ा पकने देंगे। जब पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा ना फिर हम इसमें हल्दी डाल देंगे। हल्दी का ये फ़ायदा है, एक तो एक अच्छा सा अरोमा देगी हल्दी, और दूसरा जितनी भी स्मेल है ना इसकी वो ख़त्म हो जाएगा, एक रिच सा टेस्ट जो है ना वो हमारे गोश्त में से आना शुरू हो जाएगा, और जो स्मेल है ना वो भी भाग जाएगी। तो हमने हल्दी डाल दी है, आई थिंक ये 2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था गोश्त, तो उसमें मैंने 2 छोटी चम्मच जो है ना वो हल्दी डाल के इसको अच्छे से हमने सारा मिक्स कर लेना है, और साथ साथ जो है ना ये पानी भी खुश्क होता रहेगा। जब तक कि ये सारा पानी खुश्क नहीं ना होगा तो हम इसमें मसाला जार जो है वो नहीं ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ना वो हल्दी डाल के थोड़ी देर पकाया, फिर अब बारी आ गई है लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, ठीक है ये हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है ताकि जो है ना वो मतलब जब खाने में स्पाइस अच्छा डला हो ना तो फिर जो थोड़ी बहुत वो होती है ना स्मेल या जो भी, तो वो ख़त्म हो जाती है। वैसे ऐसा मैं आपको बताऊँ ऐसा कुछ भी नहीं था, सब ने बहुत मज़े से खाया, कोई अलग टेस्ट था ही नहीं। जैसे मटन होता ना, बीफ का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, मटन टाइप ही लग रहा था, बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि मटन से भी बहुत अच्छा था। तो हमने लहसुन अदरक डाल दिया इसमें, और इसको अच्छे से जो है ना उसको भी अब साथ में भून लेंगे। अब आप कंडीशन देख सकते हैं कि जो है वो पानी थोड़ा सा रह गया, मतलब ज़्यादातर जो है वो ड्राई हो गया है। हमने हल्दी डाली है, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। अच्छा, अब जब थोड़ा सा अब रह गया ना, तो अब इसमें हम जो आपकी मर्ज़ी हो ना गरम मसाले साबुत वाले वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने जो है ना सिर्फ और सिर्फ तेज पत्ता जो है ना वो इसमें डाला है, और बाकी गरम मसाले नहीं डाल रही हूँ। तो इसका भी जो है ना एक अपना अलग ही
अरोमा है तेजपत्ते का, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब देखें ये जो है ना वो थोड़ा सा पानी और ये डाल के हम इसको भी जो है ना वो थोड़ा कम कर लेंगे, सूखने देंगे और अच्छे से पका लेंगे, और इसके बाद जो है ना फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो जब तक जो है वो पानी सूख रहा है, अच्छे से गोश्त जो है वो पक रहा है, हम जो है वो बाकी चीज़ें कर लेंगे। अब ये जो है ना ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना आपकी सेविंग में ही आ जाती हैं। जैसे अगर कभी घर में धनिया या पुदीना या कोई ऐसी चीज़ें आए, तो कुछ लेडीज़ मैंने देखी हैं कि उनको थैलियों में से ही नहीं निकालते, मतलब शॉपर्स में ही वो पड़ी रह जाती हैं और गल जाती हैं, सड़ जाती हैं। लेकिन हमारे घर में जो है ना वो ऐसा सीन नहीं है। जब भी कुछ आता है ना, सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि सारी चीज़ों को हम निकाल के जगह जगह जहाँ रखनी है ना वहाँ रख दें, अगर धो कर काटने वाली हैं तो वो भी कर लें। तो बस यही चीज़ें हैं जो घर को ना बहुत अच्छे से मैनेज भी रखती हैं, सेविंग भी आपके साथ साथ हो जाती है, और जो है वो ज़िंदगी भी जो है ना वो अच्छी लगती है। बेतरतीबी ज़िंदगी जो है ना आई डोंट लाइक, मुझे ऐसी ज़िंदगी पसंद नहीं है। सब चीज़ें मैनेज होनी चाहिए। हाँ इंसान है, कभी कुछ हो जाता है, रह जाता है, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जो है ना वो अपने घर को, अगर आप चला रहे हैं ना, आप पे ज़िम्मेदारी है, तो उसको अच्छे से चलाएं। अच्छा जी, हमने अब टमाटर निकाल दिए हैं, हमने कहा चले साथ साथ जो है ना वो आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये देखें कि पानी जो है ना ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ये सिर्फ हमने भूना है, मतलब इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए इसको अच्छे से भूना है। अब हम इसको गलाने के लिए, गोश्त को गलाने के लिए इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब ये जब अच्छे से जो है वो गल जाएगा, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि ये आई फील, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जल्दी ही पक जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है ताकि गोश्त में एक अच्छा सा नमक का फ्लेवर भी चला जाए। तो अभी जो है ना हम इसको जैसे आम गोश्त बॉयल होने के लिए रख देना रख देंगे। उसके साथ साथ अब 5 अदद मैंने टमाटर जो है वो काट लिए हैं। ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं जाने वाली हैं, कम ही जो है आगे चीज़ें इसमें ऐड होंगी। मेन काम जो था हमने कर लिया है। अब थोड़ा सा जो है वो पानी रह गया है, अब हम इसको भी जो है ना वो ड्राई होने देंगे। ये पानी को भी हम बिल्कुल नहीं रखेंगे, इसको भी हम पूरा ड्राई करेंगे, साथ साथ ये गल भी जाएगा और ड्राई भी हो जाएगा। अच्छा, टमाटर मैंने जो है वो साइड पर काट के रख दिए हैं, और अब मैंने कहा चलो वाटरमेलन भी जो है वो मैं काट के रख दूं, क्योंकि हमारे घर का सीन ये है कि चीज़ जो है अगर ऐसे पड़ी रहे ना तो कोई भी नहीं खाएगा, इनके आगे जो है ना वो पूरा आपको पेश करना पड़ता है। अब मैं काट के इसको रख दूंगी, जब ये इनको खाना होगा तो प्लेट्स में डाल के इनको जो है ना मैं दूंगी तो खाएंगे। तानू जो है ना वो तो मतलब उसको पसंद है तो वो वैसे भी खा लेती है, लेकिन जो बाकी है ना, सबसे छोटा बच्चा जो है हमारे घर में वो मेरे हस्बैंड है, वो तो कभी कुछ भी नहीं खाते हैं, उनको तो सब कुछ जो है वो देना पड़ता है। अगर हम नहीं देंगे ना वो नहीं खाएंगे, ना मांगेंगे, तो ये फिर उनका ख्याल जो है ना हमें बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। मम्मी जो है ना वो मुझे ये काटते हुए देख के कह रहा था, और मेरा मोबाइल देख के कह रहा था कि आपका फ़ोन बंद है। मैंने कहा कि भाई फ़ोन मैंने बंद कर लिया, छोटा सा क्लिप बनाना था काटने का, मैंने बना के बंद कर दिया। तो मुझे कोई शेर शायरी आती तो है नहीं जो मैं पूरा काटूँ और शेर सुनाती रहूं लोगों को। तो कह रहा है मुझे आता है, मैं सुनाता हूँ। चल अब यार ये भी जो रोमियो ने शेर सुनाया ना वो मैं डालूंगी नहीं, वो मैंने काट दिया क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया। दादी को पसंद आया? नहीं, हमें नहीं सुनना था। वहां सुना अरे ये दादी हिरन का गोश्त खाएगा तू आज, हिरन का गोश्त मेरी मासों का पानी कॉल कर रहे सही गल खाते रहते हैं। आज क्या नया खाना ये देख, मैंने कहा काट के रख दूं आराम से। गोश्त कटवाने गए वो अंकल को पता ही नहीं है कौन सा गोश्त है, उसने जैसे ही हिरन का नाम सुना वो हैरान रह गया। क्यों खाते हैं लोग? YouTube पे देखो रेसिपीज भरी पड़ी हैं, कुछ भी नहीं। हमने जो है ना वो बिरयानी बाहर से बनवा ली है, मेहनत नहीं करनी पड़े ना। अच्छा, इतनी मुझे टेंशन है मम्मा की, ये बिरयानी हमने बाहर से बनवा दी है क्योंकि कम ही है वो, इसकी मासो है और दो बच्चे हैं और उनका हस्बैंड है और हम सब हैं।
आठ हाँ दादी को तंग कर रहा है। हाँ तनु पंकी आ गई है चल सही खा मजे कर तेरी वजह से ही आता है वाटरमेलन पता तुझे मेरा फेवरेट फ्रूट। हाँ गाइस मैंने कभी भी हिरन का शेर नहीं खाया हुआ। फजूल हरकतें फजूल बातें मतलब हिरन का गोश्त नहीं खाया कभी खाना ना नहीं क्या मेरी बेटी गर्मी मामा मैं धो के आ गई हूँ क्या वो शर्ट हाँ नहीं वाइट शर्ट पे वाटरमेलन के वो दाग हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि इसका ना सालन बना के खाना चाहिए तो वो बिल्कुल सही बात करते हैं जो असली माल होता है वो ये होता है असली ताकत इसी के अंदर ताकत इसके अंदर। अच्छा जी मस्ती मजाक तो चलता रहेगा यहाँ पे जो है ना वो सारा पानी ड्राई हो गया है गोश्त का। अब जो है हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो अभी हम इसमें जो है वो ऑयल ऐड कर लेंगे क्योंकि मैंने जब शुरू में आपको बताया था कि मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था। अब बाकी जो है अब इस स्टेज पे हम ऑयल ऐड करेंगे और मसाला डाल लेंगे। कढ़ाई गोश्त का मसाला है वो हमने इसमें ऐड कर लिया है और अब हम इसको जो है मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद जो है हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। अगर आप फ्रेश प्याज डालना चाह रहे हैं तो जब आप बॉईल के लिए पानी डाला था ना तब आप उसमें डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसमें जो है ना वो ब्राउन प्याज डाल रही हूँ तो फिर वो इसी स्टेज पे डालने पड़ेंगे। और साथ में मैंने जो है ना टमाटर भी ऐड कर दिए। अब हम इन तीनों चीज़ों को ना जो है थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बस थोड़ा ही टाइम देंगे साथ में हम फिर इसके दही भी ऐड कर लेंगे। अब जो है हमने पानी ऐड नहीं करना अब इसी टमाटर और दही में ये पक जाएगा और अच्छे से भुन जाएगा फिर जो है हम इसको बंद कर देंगे। बस इतना सा ही हमारा काम है। अब ये देखें ये टमाटर थोड़े से जो हैं वो हो गए हैं। अब हम जो है इसमें दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के साथ साथ जो है हल्का सा जो है ना वो पानी भी ऐड कर देंगे ताकि ये जो भी लगा हुआ ना दही बॉल में वो भी सारा सा अच्छे से साफ़ हो जाए और थोड़ा सा पानी भी बीच में जो है ना वो चला जाए ताकि जितने भी मसाले हैं प्याज टमाटर और कढ़ाई मसाला सब अच्छे से जो है ना वो यकजान हो जाए और जो है वो गोश्त में भी अच्छे से मसाला जो है वो रच बस जाए। बस यही काम है। अब हमने इसको ढक देना और अच्छा उस वक्त तक पकाना जब तक के जो है ना वो ऑयल जो है वो साइडों पर ना आ जाए। जब तक के गोश्त पक रहा है मैंने साथ साथ जो है वो दूसरी तैयारी भी कर ली है। यहाँ पे सैलेड जो है वो रेडी हो गया है। सैलेड में सिर्फ खीरा टमाटर और प्याज और लेमन रख दिए हैं और यहाँ पे जो है मैं वो बर्तन निकाल रही हूँ। एक्चुअली जब भी कोई आता है ना तो अच्छे नए बर्तन निकालने का जो कॉन्सेप्ट है ना मुझे वो सिर्फ यही समझ आता है कि हम जो आ रहा होता है ना हमारे घर में जो भी हम उसको बताते हैं कि वो हमारे लिए कितने स्पेशल हैं हम उनके लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं। बाकी घर में तो रोज़ बर्तन यूज़ होते हैं और वो भी ठीक ही होते हैं हम वो क्यों नहीं यूज़ करते। आई थिंक वो यही रीज़न होता है कि हम ये दिखाते हैं कि नहीं हम जो है वो बेस्ट करना चाहते हैं अच्छा करना चाहते हैं जो भी हमारे घर आ रहा है। तो अभी ये जो है ना एक बॉल बीच में से टूट गया है और अभी जो है ना मैं हालाँकि हमने इन बर्तनों को धोकर साफ़ करके रखा है फिर भी जब हम यूज़ करते हैं ना दोबारा से जो है ना मैं इनको साफ़ करती हूँ क्योंकि फिर वो दिल को जो है ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती है जब तक कि आप अच्छे से नीट काम ना कर लें क्योंकि जो आने वाला है वो भी अपना है और ख़ुद भी खाना है तो फिर साफ़ सुथराई जो है ना वो बेसिक चीज़ है उसका तो मस्ट ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये काम जो है ना वो लेडीज़ के ही होते हैं उनको ही ये सारी चीज़ें अच्छे से सोचनी होती हैं मैनेज करनी होती हैं। तो यहाँ पर छोटी तानू जो है ना हमारी वो भी हमारी हेल्प कर रही है कहने लगी मम्मा चलें बाकी प्लेट्स मैं साफ़ करती हूँ और टेबल भी सेट करती हूँ। तो तानू ने ये सारा जो है मेरी हेल्प की टेबल सेट करने में। तो यहाँ पे मैं अपनी आंखों को देख रही थी कि एक आंख पे जो है ना मेरी लैशेज अभी भी हल्की हल्की लगी हुई हैं और एक आंख से मेरी सारी उतर गई हैं क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती उतारी अगर मैं ना करती तो ये नहीं उतरनी थी इतनी अच्छी ग्लू है। मम्मा को हेल्प कर
वो प्लेट्स अच्छे से रखती है। बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। सिर्फ मैं ही हेल्प करवाती हूँ मम्मा की। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। गाइस मैंने ना कांच के ग्लास रखे हूँ उधर टेबल पर, मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे तानू जो है वो कहने लगी कि मम्मा मैं रायता बनाती हूँ, तो मैं भी इसको जो है वो ऐसे छोटे छोटे काम करने देती हूँ कि चलो ऐसे ही जो है ना वो इंसान सीखता भी है, बच्चों को इंटरेस्ट होता है। अगर हम बिल्कुल नहीं करने देंगे ना तो फिर बच्चे जो है ना वो कभी भी नहीं सीखते हैं, इसी तरह सीखते हैं। चलें जी, फाइनली गोश्त जो है वो रेडी हो गया है और जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ही यमी लग रहा है, यकीन जाने खाने में भी बहुत मज़े का था और सबने बहुत शौक से खाया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा फील नहीं था हो रहा कि हम कुछ अलग चीज़ खा रहे हैं। और गार्निश के लिए जो है मैंने धनिया, हरा प्याज, अदरक और हरी मिर्च जो है वो काट दिया है। मैंने सालन के ऊपर इसलिए नहीं डाला कि जिसको जो चाहिए होगा ना वो अपनी प्लेट में ही गार्निश कर लेगा और ये बेस्ट रहता है। अगर ऊपर सारा डाल दो ना तो कभी भी कभी ऐसा होता है बच्चे अदरक नहीं खाते या किसी को धनिया नहीं खाना होता, तो ये बेस्ट होता है कि आप जो है वो अलग से रख लें, जिसको जो डालना है वो डाल लें। और अभी तक जो है वो हमारे गेस्ट नहीं आए थे, मेरा सारा काम हो गया था, तो मैंने कहा चलो किचन को भी हाथ के हाथ ही जो है ना वो नीट कर लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में भी तो करना ही होता है, तो साथ साथ कर लें तो वो सही रहता है। फिर अगर गेस्ट आ जाए और आप काम ही करते रहो तो फिर फ़ायदा नहीं होता अगर आप उनके पास बैठो ना। तो खाना खा के हम लोग जो है वो निकल गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। और इन रमज़ान के दिनों में इतनी रौनक होती है बाहर के, बिल्कुल जो है ना वो ऐसा नहीं लगता कि रात के 2 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, तो रौनक वैसी की वैसी ही बरकरार रहती है। तो ये जो चला रहे हैं गाड़ी ये कैसे खाएंगे? वनीसा के लिए लिए चलो सही, ये लो ये किसकी है? राणा के लिए आना खा लो। कौन सी ली? रोमी की डिफरेंट है ना, ये अपनी जगह पूरे रमजान गुजर गया, अब हम गए हैं खत्म होने वाला है तो अभी हम गए हैं घूमने। कानू मजा आया? मेरी सबसे मजे किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा रखिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।